हेलो दोस्तों, मैं स्वप्निल रेगे और IATF की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन की। और इस क्लॉज में सबसे पहले हम समझेंगे 8.1 नंबर क्लॉज को, जो कि ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि इस क्लॉज के जरिए स्टैंडर्ड क्या कहता है। ये ISO का क्लॉज है और इस क्लॉज में स्टैंडर्ड ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को हासिल करने के लिए जो भी जरूरी प्रोसेसेस हैं, जिनके बारे में क्लॉज नंबर 4.4 में बात कही गई है, उन सभी को प्लान करे, उनका इम्प्लीमेंट करे और उन्हें कंट्रोल करे। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीज़ें निकल कर आती जो ये क्लॉज कहता है। पहला आया प्लान, दूसरा आया इम्प्लीमेंट और तीसरा आया कंट्रोल। आपको प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कंट्रोल करना है। किसे करना है? प्रोसेस को। और ये प्रोसेस आप क्यों बना रहे? ताकि आप प्रोडक्ट और सर्विस की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, हासिल कर सके। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, इसके लिए आपने प्रोसेस बनाई, आप प्रोसेस बनाएंगे, उनकी आपकी प्लानिंग करना है, इंप्लीमेंट करना है और कंट्रोल करना है। यह बात इस क्लॉज 8.1 में कही गई है। इस चीज को समझिए, जब भी आप बात करते हैं इंप्लीमेंट करने की, तो इंप्लीमेंट करने का मतलब होता है टू रन करना, चलाना। यानी जो कुछ भी आपने प्लान किया, अब आप उसे रन करें, उसे इंप्लीमेंट करें, उसे चलाएं। कंट्रोल करने के बारे में हमने बात करी कि जहां भी कंट्रोल वर्ड आता है, इसका सीधा सा एक मतलब होता है चेक करना। आप स्टैंडर्ड में जहां पे भी कंट्रोल वर्ड देखें, तो आप सीधे समझिए कि आपसे चेक करने की बात कही जा रही है, आपको जांचने की बात कही जा रही है कि आप चेक करिए। इसके बाद इसी क्लॉज में स्टैंडर्ड कहता है कि आपने क्लॉज नंबर 6 में जो प्लानिंग करी थी एक्शन के लिए, कि आप कैसे काम करेंगे, उसके लिए आपने जो प्लानिंग करी, अब समय आ गया है कि आप उसे इंप्लीमेंट करें। क्लॉज नंबर 6 में जो भी प्लानिंग आपने करी एक्शन करने के लिए, उसको आप इंप्लीमेंट करने का समय आ चुका है और अब आपको उस चीज़ को इंप्लीमेंट करना है। और आप उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए वो कहता है कि बाय, सबसे पहली चीज़ वो कहता है कि आप रिक्वायरमेंट पता करें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, इसकी आप रिक्वायरमेंट पता करिए कि आपका प्रोडक्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मैं ये पेन बना रहा हूँ, ठीक है, अब इस पेन की रिक्वायरमेंट क्या है? इस पेन की बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि इसका साइज सही होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसका साइज बहुत ज़्यादा हो। यदि इसका साइज बहुत ज़्यादा होगा तो इसे पकड़ना बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि इसका साइज बहुत कम हो जाए, क्योंकि यदि इसका साइज कम हो गया तो चूंकि मुझे व्हाइट बोर्ड पर लिखना है, तो अगर इसका साइज कम होगा तो इसे पकड़ना इतना ईजी नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा इस पर लिख पाना। तो इसका साइज एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट की। साथ ही साथ अगर मैं बात कहूं तो इसकी जो नीब है, इसकी नीब स्मूथ चले, स्मूथ परफॉर्म करे, ये भी इसकी एक रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आपको जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको उसे पता करना है। इसके बाद वो दूसरी चीज़ कहता है कि आपको क्राइटेरिया बनाना है, क्राइटेरिया बनाए। और क्राइटेरिया किस चीज़ के लिए बनाना है? प्रोसेस के लिए, पहली चीज। और दूसरा वो कहता है कि आपको प्रोडक्ट के एक्सेप्टेंस को लेकर क्राइटेरिया बनाना है, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। इन दो चीज़ों का हम समझते हैं। प्रोसेस के लिए क्राइटेरिया बनाना है, मुझे पता चल गया रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पता है कि मुझे इसका साइज इतना कंफर्टेबल रखना है कि इसे इजीली पकड़ा जा सके। तो मेरी प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें इस साइज का पेन मुझे मिल सके, इस साइज का पेन जो कि कंफर्टेबली हाथ में आ सके, उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस मुझे लगेगी या जो मशीन का सेटअप मुझे रखना होगा, उसका क्राइटेरिया मुझे फिक्स करना है। ठीक है, नीब के लिए स्मूथली नीब परफॉर्म करे, इसके लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए, किस तरह की सेटिंग लगाई जानी चाहिए, इसका क्राइटेरिया मुझे फिक्स करना होगा। साथ ही साथ अगली बात वो कहता है कि प्रोडक्ट के एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया भी आप फिक्स करिए, यानी ये प्रोडक्ट किस कंडीशन में मैं एक्सेप्ट करूँगा, यानी इसका ओडी कितना होगा जो मुझे एक्सेप्टेबल होगा, इसकी जो नीब होगी वो कितनी, उसकी थिकनेस होगी जो मुझे एक्सेप्टेबल होगी, इसकी जो डेप्थ है इस ढक्कन की वो कितनी होगी जो कि मुझे एक्सेप्टेबल होगी, ये क्राइटेरिया फिक्स करने की वो बात कहता है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ वो कहता है कि आप रिसोर्सेस पता करें। अब आपने पहले रिक्वायरमेंट पता करी, आपने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया प्रोसेस के लिए, आपने एक्सेप्टेंस के लिए, प्रोडक्ट के एक्सेप्टेंस के लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, अब आपको रिसोर्सेस पता करना है। और ये रिसोर्सेस आपने, हमने जो क्लॉज नंबर 7 में बात करी थी सपोर्ट वाले में, उसमें रिसोर्सेस की बात करी थी, और वो रिसोर्सेस आपको इसलिए पता करना है ताकि ये पेन वैसा बने जैसा हमने क्राइटेरिया फिक्स किया है।
तो इसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेस लग सकते हैं, हमें ह्यूमन रिसोर्स लग सकता है, हमें कंपिटेंट लोगों की जरूरत पड़ेगी, हम उन कंपिटेंट लोगों को लाएं, उन कंपिटेंट लोगों को पता लगाएं वो कौन है क्या है, उन्हें एक्सपीरियंस लोग हम लाएं, है ना। तो ये रिसोर्सेस आप पता करें। इसके अलावा इसको चेक करने के लिए जो मॉनिटरिंग और मेजरिंग रिसोर्सेस लगेंगे, अगर मुझे वर्नियर कैलिपर चाहिए तो वर्नियर कैलिपर लाऊं, माइक्रोमीटर चाहिए तो वो लाऊं, ये सारी चीज़ें इस पॉइंट में आपसे स्टैंडर्ड कहता है। इसके बाद वो ये कहता है कि आपकी जो प्रोसेस थी वो इस पर क्राइटेरिया चल रही है या नहीं चल रही है, उसे चेक करिए, ठीक है, कंट्रोल करिए, चेक करिए, कंट्रोल करो प्रोसेस, प्रोसेस को, कि वो एस पर क्राइटेरिया चल रही है या नहीं चल रही है, एस पर क्राइटेरिया चल रही है या नहीं चल रही है। यानी मैंने अगर मशीन का जो सेटअप की बात हमने करी थी, क्या मशीन उस सेटअप पे काम कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सेटिंग बिगड़ गई, तो इस चीज़ को आप चेक करिए, इसे कंट्रोल करिए, अगर सेटिंग बिगड़ गई है तो उसे फिर से ठीक करिए। इसके बाद जो वो अगली चीज़ कहता है, वो कहता है कि आपको रिकॉर्ड बनाना है इन सभी का, प्रोसेस का रिकॉर्ड बनाना है, प्रोसेस चल रही है या नहीं चल रही है सही तरीके से, आपको प्रोडक्ट के एक्सेप्टेंस को लेकर रिकॉर्ड बनाना है, सही बनाए या नहीं बनाए, और ये इसलिए बनाना है आपको, और इसके लिए एक रिटेंशन पीरियड भी आपको तय करना है, और ये रिटेंशन पीरियड इतना हो ताकि आप अपने प्रोसेस को लेकर या प्रोडक्ट को लेकर यदि इन फ्यूचर कभी कोई इशू रेज होता है तो आप एज एन एविडेंस उस चीज़ को दिखा सकें। इस चीज़ को समझिए, मान लीजिए कभी भविष्य में कोई कंप्लेंट आती है और उसमें कहा जाता है कि ये जो पेन है ये उतना स्मूथ नहीं चलता जितनी कि हमने बात कही थी। अब आपके पास यदि कोई एविडेंस नहीं होगा प्रोसेस को लेकर, प्रोसेस के रिकॉर्ड को लेकर, आपके पास यदि कोई रिकॉर्ड आपने नहीं बनाया तो आप क्या दिखाएंगे, और सपोज आपने बना लिया और उसे बड़ी जल्दी आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और कोई ऐसी कंप्लेंट आई तो आपके पास एविडेंस क्या है। तो उस केस में आप एविडेंस दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये हमारा क्राइटेरिया था प्रोसेस का और हमने इसी रेंज में इस पेन की प्रोसेस करी थी, हाँ ये हम एक्सेप्ट करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आई है, लेकिन आपके पास एक एविडेंस उस केस में हो जाता है। तो इसलिए आपको रिटेंशन पीरियड फिक्स करना चाहिए, प्रोडक्ट और प्रोसेस को लेकर यदि फ्यूचर में कभी कोई इश्यूज जनरेट होते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस क्लॉज में आपसे एक तो कहता है स्टैंडर्ड, जो कि ISO का स्टैंडर्ड 8.1। इसके अलावा वो आपसे ये भी कहता है इसी क्लॉज में कि आपको जो प्लानिंग का आउटपुट होगा, कि आप सारी प्लानिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है, ऑपरेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इस ऑपरेशन की प्लानिंग का जो कुछ भी आउटपुट होगा ये सुटेबल होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो आउटपुट है ये कहीं ना कहीं इनपुट का काम करेगा, किसके लिए, ऑपरेशन के लिए। यानी आपने यहां से जो कुछ भी आउटपुट हासिल किया प्लानिंग के जरिए, वो सारा आप कहीं ना कहीं एज एन इनपुट ऑपरेशन में दे देंगे, ऑपरेशन को परफॉर्म करने में लगा देंगे। तो ये आउटपुट बड़ा सुटेबल होना चाहिए, अदरवाइज आपका ऑपरेशन बिगड़ जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिए। कहने का मतलब यह है कि जब हमने प्रोसेस की बात करते हैं, देखिए प्रोसेस में क्या होता है, जब भी प्रोसेस की बात होती है कुछ इनपुट दिया जाता है, एक्टिविटी परफॉर्म होती है जिसे हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, और इसके जरिए हमें कोई आउटपुट मिलता है। अब यही जो आउटपुट है ये अगली जो प्रोसेस होगी उसके लिए इनपुट का काम करता है, ये फिनोमिना, ये पूरा सर्कल काम करता है इस तरह से, ये पूरी साइकिल जो चलती है, एक इनपुट होगा उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी और कुछ आउटपुट हासिल किया जाएगा, ये आउटपुट फिर एज एन इनपुट कहीं यूज़ होगा, उसके ऊपर फिर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होगी और फिर आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। अगर हम इस क्लॉज के रिस्पेक्ट में इस बात को समझें, प्लानिंग के लिए आपने कुछ इनपुट दिए, प्लानिंग की प्रोसेस आपने परफॉर्म की, आपको कुछ आउटपुट मिले, यही आउटपुट आगे जाकर इनपुट का काम करेंगे ऑपरेशन की प्रोसेस के लिए, और उनके जरिए आपको कुछ आउटपुट मिलेगा जिन्हें आप बाद में आगे चल के अगली प्रोसेस जो रिव्यू करेंगे उसमें आपको यूज़ करेंगे रिव्यू के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये साइकिल ऐसी चलती रहती है, तो बड़ा जरूरी है कि जो प्लानिंग का आउटपुट हो वो सुटेबल हो, ये क्लॉज आपसे ये भी बात कहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ISO वाला स्टैंडर्ड जो है वो आपसे ये बात कहता है। अब हम देखते हैं IATF इस क्लॉज को लेकर क्या चाहता है और क्या कहता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे IATF इस क्लॉज को लेकर, जो कि 8.1.1 है, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, टॉपिक वही है, इसको लेकर IATF क्या कहता है। अभी हमने जो देखा वो ISO 9001 को लेकर देखा, कि ISO 9001 यानी QMS उसको लेकर, उस क्लॉज को लेकर क्या कहता था। अब IATF की इसको लेकर क्या रिक्वायरमेंट है हम इसे समझते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में सिस्टम को डेवलप कराने के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं।
यदि आप किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम डेवलप कराना चाहते हैं, आप कोई ऑडिट करवाना चाहते हैं और उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करना चाहते हैं और कोई ट्रेनिंग की जरूरत अगर आप महसूस करते हैं तो हम उस चीज़ के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ हम लोग कस्टमर ऑडिट को लेकर भी, यदि आपके यहाँ कोई इश्यूज रेज होता है, कोई आपके यहाँ पर अगर नॉन कन्फर्मिटीज़ बनी है, आपकी ग्रेडिंग कम हुई है, आपकी रैंकिंग में कोई गिरावट आई है, तो हम लोग उसके लिए भी काम करते हैं। आपको हमसे अगर इस बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हम बड़े अच्छे से देंगे। खैर, फिलहाल IATF की हम बात करें तो IATF इस मामले में थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ के वो कहता है कि आपको प्लानिंग तो करना है, आपको प्लानिंग करना है, लेकिन ये प्लानिंग आपको प्रोडक्ट रियलाइजेशन के केस में करना है, आपको प्रोडक्ट रियलाइजेशन के लिए प्लानिंग करना है। प्रोडक्ट रियलाइजेशन, ये एक वर्ड आता है, प्रोडक्ट रियलाइजेशन। अब हम थोड़ा सा इस प्रोडक्ट रियलाइजेशन को समझते हैं ताकि हमको बड़ा इजी हो जाएगा कि IATF क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, प्रोडक्ट कैसा होगा इसका क्लियर आइडिया हमें किन चीज़ों से मिलता है? एक तो ड्राइंग है ना, यदि मेरे पास ड्राइंग है प्रोडक्ट की तो मुझे क्लियर आइडिया होगा कि मेरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा। इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ SOPs हो सकती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस कुछ हो सकते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं इनसे मुझे ये क्लियरिटी हो जाती है, इससे क्लियर आइडिया मुझे मिल जाता है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा होगा, ठीक है। तो इसी चीज को, इसी फिनोमिना को, इसी थ्योरी को प्रोडक्ट रियलाइजेशन कहते हैं, इसी आइडिया को प्रोडक्ट रियलाइजेशन कहते हैं। अब आप देखिए IATF कितना ब्रॉड चला जाता है, कितना आगे चला जाता है। जहां ISO सिर्फ प्रोडक्ट को प्लानिंग करने की बात करता है, IATF प्रोडक्ट रियलाइजेशन के लिए प्लानिंग करने की बात करता है, यानी उस आइडिया के लिए वो आपसे प्लानिंग करने की बात करता है जिसकी वजह से, जिसके द्वारा पूरा का पूरा ये जो प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, उसके उसके लिए प्लानिंग करने की वो आपसे बात करता है। IATF बहुत आगे निकलता है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी प्लानिंग के लिए ये जो क्लॉज कह रहा है कि प्लानिंग फॉर प्रोडक्ट रियलाइजेशन, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। IATF क्या कह रहा है कि जब भी आप प्रोडक्ट रियलाइजेशन की प्लानिंग करें तो उसमें आपको किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो वो ये कहता है आपसे कि जो भी रिक्वायरमेंट है ना, कस्टमर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, कस्टमर के प्रोडक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको आप पता करिए, ठीक है, कस्टमर के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को पता करिए। साथ ही साथ जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है आपको उनके लिए प्लानिंग करना है। दो चीज़ें जिनको आपको इंक्लूड करना है, एक तो कस्टमर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और साथ ही साथ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उससे क्या जुड़ी हुई है, इनको शामिल करने की वो बात इस क्लॉज के अंतर्गत, जब भी आप प्रोडक्ट रियलाइजेशन की प्लानिंग करें तो इन चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है। साथ ही साथ वो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट की भी बात करता है, इसमें आपको लॉजिस्टिक की जो भी रिक्वायरमेंट हो उनको भी इंक्लूड करना है, उसको भी प्लानिंग आपको करनी है। लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट को थोड़ा समझिए। देखिए, कई दफ़ा क्या होता है कि जब प्रोडक्ट को आप डिस्पैच करते हैं है ना, तो उसको लेकर कई दफ़ा आगे जाकर कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है लॉजिस्टिक को लेकर, तो उनको लेकर भी आपको प्लानिंग करना है, यानी आपको प्लान करना है कि मैं प्रोडक्ट को किस तरह से डिस्पैच करूँ ताकि वो सही तरीके से अपने जो भी कस्टमर है उस तक पहुँच सके, ठीक है। तो ये प्लानिंग भी आपको इस क्लॉज के जरिए प्रोडक्ट रियलाइजेशन में IATF करने के लिए कहता है। इसके बाद वो कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी को लेकर आप प्लानिंग करें। इसके बाद वो कहता है प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग हो वो भी आप इसमें करें, इसमें इंक्लूड करें प्रोजेक्ट की प्लानिंग, कि आप कैसे काम करेंगे, आपका प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, इस चीज़ की प्लानिंग हो। और लास्ट में वो वही कह रहा है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस का जो क्राइटेरिया होगा उसकी भी आपको प्लानिंग करना है। तो ये चीज़ें हैं जो इस क्लॉज में इंक्लूड होती है 8.1.1 में। जब भी आप प्रोडक्ट रियलाइजेशन की प्लानिंग करते हैं तो ये कुछ पांच चीज़ें हैं जो आपको उसमें शामिल करना है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वही वाली बात है जो हमने बात करी थी कि प्रोडक्ट आपका फाइनली जब बनेगा तो क्या उसका क्राइटेरिया होगा जिस पर आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, ये वही चीज़ है। इसके बाद अगला जो क्लॉज आता है 8.1.2, और ये बात करता है कॉन्फिडेंशियलिटी की। बड़ी आसान सी बात है, कॉन्फिडेंशियलिटी को इतना बहुत ज़्यादा वो ऐसा कुछ इसमें ऐसा विशेष नहीं है, सिर्फ यही बात कही गई है कि प्रोजेक्ट को लेकर या प्रोडक्ट को लेकर आपकी कस्टमर से जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी बातें हो रही हैं वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, उसे आप लीक नहीं करेंगे किसी भी एंड पर, वो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर उन्हें हाइड किया जाए, उन्हें छुपाया जाए, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनाई जाए, ठीक है।
यानी जो भी आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, जहाँ जहाँ पे उसे दिखाना है बस वहीं पे दिखाए, वो हर किसी को उस हर किसी के सामने उसे ओपन ना करें, सिर्फ इसी बात की आप ताकीद करें, ये आपसे स्टैंडर्ड कहता है। और इस तरह यदि हम ये क्लॉज जो है 8.1 ये कंक्लूड होता है, ख़त्म होता है। अगले जो हमारा वीडियो रहेगा वो 8.2 को लेकर हम बनाएंगे, और आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।